आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो के मामले से यह खबर जुड़ी हुई है। आज जांच के लिए पहुंच सकते हैं सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा और शासन स्तर पर गठित एसआईटी के प्रभारी हैं डीजी जीएल मीणा, आज जांच के लिए कानपुर पहुंच सकते हैं। एसआईटी में शामिल एडीजी भानु भास्कर जांच शुरू कर सकते हैं आज। सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा शासन को 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, बड़ी खबर। शासन को एसआईटी को अपनी रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर सौंपनी है। प्रभारी हैं सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा और इसीलिए वो आज पहुंच सकते हैं कानपुर। कानपुर जोन के एडीजी भी इस एसआईटी टीम का हिस्सा। 7 दिनों के भीतर एसआईटी को अपनी जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो के मामले में जांच शुरू हो चुकी है। आज जांच के लिए पहुंच सकते हैं सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, इस मामले में सामने आई है मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की लिखी हुई किताबों की झलक और वो एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। शुद्ध उपासना और नमन एक पुस्तक का टाइटल ये है और दूसरी पुस्तक जो सामने आई है उसका नाम है शुद्ध भक्ति। ये देखिए आप, दो पुस्तकें सामने आई हैं आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की लिखी हुई। शुद्ध उपासना तथा नमन एक पुस्तक का टाइटल और दूसरा शुद्ध भक्ति। हिंदी में ये टाइटल मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की लिखी हुई किताबों के। सीटीएस बस्ती के लोगों का दावा है कि धर्मांतरण का प्रलोभन उन्हें दिया गया और इसके साथ साथ इफ्तिखारुद्दीन ने ये किताबें उन्हें दी। इसको छोड़ना तो दूर की बात। किताबों में इस्लाम के बारे में प्रेरित करने वाली बातें लिखी हैं और वायरल वीडियो में भी मौलाना और इफ्तिखारुद्दीन के इन किताबों का जिक्र किया गया है। इन किताबों को हाईवे में खड़े इफ्तिखारुद्दीन के लोग आम लोगों को देते थे और किताबों के जरिए खेला जाता था धर्मांतरण का गंदा खेल। तो एक वायरल वीडियो में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी धर्म विशेष से जुड़े निर्देशों को नहीं मानेगा तो हम उसे तंग कर देंगे, उसका जीना दूभर कर देंगे। हम बार बार साफ कर रहे हैं कि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इसको छोड़ना तो दूर की बात है, इसको ना मानना तो दूर की बात है। जो इसका एराज करेगा, जो इसकी अनदेखी करेगा, इसमें जो आयतें उतरी है उसकी जो अनदेखी करेगा, तो हम दुनिया में उसकी नेचर को तंग कर देंगे। मतलब उसका जीना तू मत कर देंगे, उसको ना जीने देंगे ना मरने देंगे। और वायरल वीडियो में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन बार बार दावत लिल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वे कहते दिखाई दे रहे हैं कि हर घर में अल्लाह का दीन दाखिल होना है। सामने बैठे लोगों से इफ्तिखारुद्दीन कह रहे हैं कि यहां बैठे सभी लोगों को यह काम करना चाहिए। आराम से वजूद बख्शा, ये अल्लाह का धोखा देना, ये चालबाजी करना है, ये अल्लाह का धोखा देना। और ये जो सच्चे मोमिन है उनको धोखा देगा, जिनके सामने सब कुछ आया है, जो यहां से लेके आखिरत तक देखते हैं, उनको ये धोखा देगा? ये किसी को नहीं धोखा देगा। लेकिन इसका ब्रेन डैमेज हो गया है, इसका ब्रेन डैमेज हो गया है। और इस वीडियो के आधार पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कमिश्नर पद पर रहते हुए आईएएस अपनी तकरीर का खुद वीडियो बनवाते थे और उसे अलग अलग जगहों पर भेजते थे। एक वायरल वीडियो में वीडियो बनाकर अभिनेता आमिर खान को भी भेजने का जिक्र है। देखिए और सुनिए वायरल वीडियो का वो हिस्सा। और इसका ये नतीजा हुआ कि आमिर खान ने पिछले दिनों अपने बहनों याहिया खान को यहाँ कानपुर भेजा कि जाओ उनसे मिलकर के आओ, माशाल्लाह यहाँ रहकर के गए। अजीब उनके मंसूर होते हैं, सालू होते हैं, तो माशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ यहाँ तशरीफ लाए और आमिर खान ने बार बार सलाम कहलाया और उन्होंने इस किताब को शाहरुख खान को दिया। शाहरुख खान कुरान समझ के पढ़ने लगे हैं। अल्लाह का कैसा एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला किस किस तरह से अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे।